लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भक्तों, श्री साईं सच्चरित्र के 33वें अध्याय में लिखा है कि जो भक्त बाबा के पास अनन्य भक्ति के साथ जाता है, बाबा उस पर कृपा ही नहीं करते बल्कि उसकी सहायता भी करते। उन दिनों बॉम्बे के प्रसिद्ध व्यापारी रामकृष्ण आचार्य उर्फ बापूजी ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज की लड़ाई लड़ रहे थे। बॉम्बे के सीनियर डॉक्टर ने जब उनकी रिपोर्ट एग्जामिन करी तो मिस्टर तेजन, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि जब उसकी उखड़ती हुई सांसों को दवा से नहीं दुआ से बचाया जाता है, और अब आपके बापूजी की यही स्टेज आ गई है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनकी कितनी सांसें बाकी हैं, पर यह जरूर कह सकता हूं कि इनके पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर साहब, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। कोई तो ट्रीटमेंट होगा, कोई दवाई, कोई सर्जरी, कुछ तो होगा। इस नतीजे पर पहुंचने से पहले हमने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। मैंने इनके डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दिया है और आप इन्हें घर ले जाइए और इनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश कीजिए। हमें सिर्फ आपका ही आसरा है और आप पर ही विश्वास है। बाबूजी को बचा लीजिए, बाबूजी को बचा लीजिए पापा। रामकृष्ण, ओ आचार्य रामकृष्ण, देख तेरा साईं तेरे पास आ गया है। बेटा आंखें खोल,
आप आए हैं। तू जीवन भर मेरा नाम जपता रहा, हर पल मुझे याद करता रहा, पर मुझे मिलने शिरडी नहीं आया, इसलिए आज शिरडी आने का न्योता देने मैं आ गया। बाबा, आपने मेरे जीवन पर ऐसी कृपा की, क्यों वक्त ही नहीं मिला? जानता हूं तूने ढेरों रुपए कमाए, मगर अब माया मोह भूलकर शिरडी आ जा, अल्लाह मालिक। बाबा बाबा बाबा, हाँ बाबूजी, बहुरानी ललिता सुन। पापा, मैं यहाँ हूँ बाबूजी। मेरे बच्चों, अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बात मानोगे ना? हाँ बाबूजी, क्यों नहीं, आप कहिए तो। तू क्यों चुप है ललिता? बोलो, तू मानोगी ना मेरी बात बहू? हाँ बाबूजी, जरूर मानूंगी। आप एक बार कहकर तो देखिए। बेटा, मैं जानता हूं कि डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज करके घर ले जाने को कहा, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहता। बेटे, मैं शिरडी जाना चाहता हूं, बाकी की बची हुई जिंदगी मैं शिरडी में अपने बाबा के चरणों में बिताना चाहता हूं। मुझे हमेशा के लिए मेरे सारे सामान के साथ शिरडी छोड़ा, बोलो। ए बाबूजी, ये नहीं हो सकता बाबूजी, आप उनसे जुदा नहीं हो सकते। बाबूजी, हम आपको बाबा के दर्शन के लिए जरूर ले जाएंगे, लेकिन प्लीज बाबूजी, हम आपको हमेशा के लिए वहां पर छोड़ के नहीं आ सकते। जितना करो बाबू, जितना करो। देखो बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम, जो थोड़ी सी सांसें बची हैं उन्हें मैं अपने बाबा के नाम करना चाहता हूं। जो मेरी यह आखिरी इच्छा पूरी कर दो बेटा, मुझे मेरे साईं के पास पहुंचा दो। Thank you.
साई नाथ आए नमः। बाबूजी अब तो हम शिरडी पहुंच गए, चले बाबा के दर्शन कर ले। नहीं बहू नहीं, मैं उनके मंदिर नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस शिरडी की इस पावन धरती को अपने माथे पे लगाना है। जिस जमीन पर मेरे साईं के चरण पड़े उसे अपने माथे का तिलक बनाना है बेटा। बाबूजी एक बार बाबा के दर्शन तो कर लीजिए। नहीं तेजन नहीं, तू नहीं जानता मेरे बच्चे, कहते हैं कि बाबा की समाधि की सीढ़ियां जो भी चढ़ता है बाबा उनके सारे दुख और तकलीफें अपने ऊपर ले लेते हैं। नहीं बेटा, मैं बाबा को अपनी बीमारी नहीं देना चाहता, जाओ जाओ मेरे बच्चों, जाओ तुम लोग बाबा के दर्शन कर लो और उसके बाद वहीं से वापस चले जाना। मैं यहीं रह लूंगा। अरे ऐसे कैसे बाबूजी, तेजन ने तो आपके लिए होटल में रूम बुक किया है। नहीं बहू नहीं, मैं यहाँ सेठ रामकृष्ण आचार्य बनकर नहीं आया बल्कि अपने साई का एक भक्त बनकर आया हूं। जो काम मैं सारी उम्र नहीं कर सका वो आज मुझे करना ही है। बस मेरी जिंदगी की आखिरी इच्छा समझकर इसे स्वीकार कर लो मेरे बच्चों। इसे स्वीकार कर लो, आप दोनों को मेरी कसम। ठीक है बाबूजी, जैसे आप उचित समझे। छोड़ के नहीं जाऊंगी बाबूजी। नहीं नहीं बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, मालिक के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान आपका भला करे। सेठ जी भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए, मैं दो दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दीजिए सेठ जी। ये लो भाई घड़ी रख लो तुम। मैंने सेठ जी, ये तो आपकी घड़ी है। किस काम की, सारा वक्त तो साई के ध्यान में ही बीत जाएगा, मेरी तरफ से उपहार समझ के रख लो तुम, तुम्हारे काम आएगी। भगवान आपका भला करे। शिरडी में रहते हुए बापूजी हर दिन गरीबों को खाना खिलाते, जरूरतमंदों को अपना कीमती सामान उपहार में दे देते और खुद शिरडी के खंडोबा मंदिर में रहते हुए साईं बाबा के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते। इस तरह 3 महीने बीत गए। बापूजी की तबीयत अब पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उस रात तो उनकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वे खंडोबा मंदिर से निकलकर टहलते हुए लेंडी बाग आ गए। क्या हुआ आपको? कहाँ जा रहे हैं आपको? मुझे बताइए, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। हाँ मुझे जाना है, वहां अकेले ही जाया जाता है,
ये बताओ तुम्हारी घड़ी ठीक है ना? हाँ सेठ जी। अच्छा, ये सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा। सेठ जी। सबसे दामन तो छुड़ा लिया रामकृष्ण, पर मैं तेरा दामन न यहां छोड़ूंगा और न वहां। मेरे सही, आज एक बार फिर मुझे अपने दर्शन देकर धन्य कर दिया बाबा। तू तो शिरडी आकर भी मुझसे मिलने नहीं आया रामकृष्ण। कैसे आता बाबा, कैसे आता? अगर मैं आपके पास आता तो मेरी बीमारी आप अपने शरीर पर ले लेते ना। ना बाबा, लोग तो तुम्हें फल फूल मेवा चढ़ाते हैं, बाबा मैं बीमारी ना देवा ना देवा ना। पगला है, दीवाना बन गया है बेटा। ये फकीर सिर्फ अपने भक्तों के लिए फिक्रमंद रहता है। अच्छा बता, तू क्या चाहता है? बोल बेटा। देवा, मैं अच्छा नहीं होना चाहता देवा, क्योंकि अगर मैं अच्छा हो गया तो एक बार फिर से दुनिया की माया मोह में फंस जाऊंगा देवा, और मैं मरना भी नहीं चाहता, क्योंकि देवा अगर मैं मर गया तो शिरडी की इस पुण्य धरती से दूर हो जाऊंगा देवा। मैं कुछ नहीं चाहता देवा, कुछ नहीं। फिर भी मेरे लायक जो ठीक समझो वो करो। रामकृष्ण, मैं जो कहूंगा तुम करोगे ना? हाँ देवा, बस आप हुक्म तो कीजिए देवा। तो कल सुबह मुंबई की रेलगाड़ी में बैठकर अपने घर वापस जाओ। तुम्हारे बच्चे दिन रात तुम्हारी फिक्र में लगे रहते हैं, उनसे मिलकर वापस शिरडी आ जाना। देवा, लेकिन देवा मैं मुंबई कैसे जाऊंगा? जो सब कुछ मुझ पर नौछावर कर देते हैं उनकी फिक्र करना मेरा धर्म है। तुम कैसे जाओगे इसका फैसला मैं पहले ही कर चुका हूं। बस अपना इरादा पक्का करके रवाना हो जाओ। राम जी भला करेंगे, अल्लाह मालिक। साहिब, बाबा मदद करना चाहते। हाँ सेठ जी। तो कल सुबह मेहरबानी करके मुझे बंबई की गाड़ी में चढ़ा दोगे? हाँ सेठ जी। साई की आज्ञा मानकर बॉम्बे लौटते वक्त बापूजी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। सहयात्रियों की सहायता से बापूजी एक बार फिर घर न जाकर बॉम्बे अस्पताल पहुंच गए। ललिता जी, आश्चर्य इस बात का नहीं है कि आपके पिताजी शिरडी से वापस आ गए। आश्चर्य इस बात का है कि वो जब से शिरडी से लौट कर आए हैं
की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं इसे साईं कृपा का चमत्कार मानूंगा, क्योंकि ब्लड कैंसर जैसे घातक बीमारी का हमारे मेडिकल साइंस में भी आज तक कोई इलाज नहीं। आपके बाबूजी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बस इन्हें कमजोरी के कारण ही बार बार चक्कर आते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बापूजी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, कैंसर बीमारी का नामो निशान भी नहीं रहा। एक दिन जिद करके वो शिरडी चले गए। इस घटना के 7 साल बाद तक वे स्वस्थ जीवन जीते रहे। 2003 में उनकी आत्मा बिना कष्ट के श्री साई चरणों में लीन हो गई। श्री साईनाथ, ओम साईनाथ। धन्य धन्य। देखा आपने, बाबा अपने भक्तों की कितनी फिक्र करते हैं। यदि आपने भी साई भक्ति की दिशा में कोई ऐसा उल्लेखनीय काम किया हो तो हमें SMS करिए 525255 पर। SMS करने का तरीका है बाबा स्पेस नाम कॉमा एज कॉमा सिटी। यदि आप, आपका परिवार, अड़ोस पड़ोस या ऐसे किसी भी साईं भक्त के साथ बाबा की कृपा हुई हो तो हमें तुरंत लिख के भेजिए। हम उसको इस एपिसोड में शूट करके इस धारावाहिक में आपको दिखाएंगे। हमारा पता है शिरडी साई बाबा फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 17517, मोतीलाल नगर नंबर 1, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई 400104। विजिट टू जॉइन अस www.shirdisaibabafoundation.com। शिरडी